Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो है यहाँ पे हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है आपका सॉल्यूशंस का, और जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम कॉन्सेंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और क्यों करते हैं, और जो है इसमें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन जो है डिटेल में इसमें डिस्कस करना है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ हम लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द वे टू एक्सप्रेस कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन either quantitatively or qualitatively। तो अब दोनों तरीके से जो है आप एक्सप्रेस करते हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी वाइज कैसा है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो दोनों तरीके से हम जो है कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली पार्ट्स पर मिलियन की, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PPM। यहाँ पे स्मॉल से लिखा जाता है, राइट। तो स्मॉल पी और स्मॉल एम से। सो यहाँ पे जो है अब PPM में डेफिनेशन लिखते हैं कि द अमाउंट और द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और जो है सॉल्यूशन। यहाँ दोनों ये आ सकता है, कुछ देर में हम जो है इसको डिस्कशन करते हैं, राइट, कि यहाँ पे दोनों चीज कैसे आएंगी। पर मिलियन ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन कहता है कि द मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है जो आपके गिवन जो भी आपका मास है, राइट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन का अगर आप एक मिलियन पार्ट ले रहे हो तो उसमें से कितना आपका पार्ट है सॉल्यूट का, राइट, उसके एक मिलियन वाले पार्ट में से, राइट। तो इसको अगर हम फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे आएगा PPM इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो जहाँ पे जब कभी भी हम यहाँ बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट की, अगर हम यहाँ पे इन ग्राम ले रहे हैं तो नीचे भी हमें इन ग्राम्स लेंगे। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे डिनोमिनेटर डिस्कस करेंगे हम लोग कि मास ऑफ, यहाँ पे जो है आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं PPM की तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्चुअली बहुत कम है। तो अगर आप देखा जाए तो आपका जो मास है, राइट, ऑफ सॉल्यूट, वो जो है बेसिकली आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो सॉल्वेंट के सामने। तो अगर आप नेगलेक्ट करते हो तो आप जो है मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लीजिए या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पे भी आपको इन ग्राम्स रखना है। जो ऊपर का यूनिट है वही आपको नीचे डिनोमिनेटर में यूनिट रखना है, मल्टीप्लाइड बाई 10^6, राइट। तो ये 10^6 जो है आपका एक मिलियन बनता है, तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इस पे अब इसमें जो है लिखते हैं कि PPM इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मेजर द हार्डनेस ऑफ वाटर कॉमा बैक्टीरियाज माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर और इन ड्रिंकिंग वाटर। सो यहाँ पे जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग उन सारी चीज़ों की बात करते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल है, जैसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर है, तो आपका कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट
आपका प्रेजेंट है, राइट, तो वो जो आपका एक्सप्रेस किया जाता है पीपीएम के टर्म्स पर। वैसे ही सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको ये डिटरमाइन करना है कि कोई वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ है कि नहीं, तो वहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन या माइक्रोब्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी जो है आपका पीपीएम में डिफाइन होता है। पीपीएम के अलावा जो है एक और आपका दूसरा वाला भी है जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन, तो वहाँ पे आपका सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे बिलियन हो जाएगा, तो दैट इज 10^9, राइट। सो यहाँ पे जो है हम लोग ये एक्सटेंसिवली पीपीएम का यूज़ किया जाता है और हम लोग यहाँ पे इसको डेली साइंटिफिक वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें कि प्रिपरेशन की, अगर हमें लैब में बोला गया है तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ CaCO3, राइट, एक्चुअली CaCO3 नहीं होगा, यहाँ पे लिखते हैं CoHCO3 होल ट्वाइस विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 200 ppm, राइट, इन वाटर। यहाँ पे जो ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, ये आपका जो है सॉल्युबल है, राइट, तो इसका जो है हमें 200 ppm का सॉल्यूशन बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे, सो वील टेक 200 mg ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन, तो यहाँ पे जो हमने 200 mg लिया इन 1 kg ऑफ वाटर, तो 1 kg में अगर आपने 200 mg डाला तो आपका जो है 200 ppm बन जाएगा वाटर का। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो कैसा आएगा, ppm, सॉरी, अच्छा ppm आएगा 200 × 10^-3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 1 kg लिया गया, तो यहाँ पे जैसे कि ये ग्राम में है हमें, तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट होगा, तो आएगा 10^3 मल्टीप्लाइड बाय आएगा 10^6, क्योंकि ppm के इक्वेशन में, मतलब फॉर्मूला में आता है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो है आपके पास आंसर आएगा 200 ppm का, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।